डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ब्राउन स्टॉक वॉशिंग। ब्राउन स्टॉक वॉशिंग क्या होती है पल्प की, उसके बारे में समझते हैं। तो सभी हम जानते हैं कि पेड़ों से वुड आता है, वुड से चिपिंग होती है और चिपिंग को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में हम उसका आगे फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्ट करने के लिए हमें वाइट लिकर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड होते हैं। जब वो कुक हो जाता है, उसके बाद में हमें ब्राउन स्टॉक वॉशिंग करनी पड़ती है, जिसमें से वीक ब्लैक लिकर को बाहर निकालना पड़ता है और इसको रिकवर्ड करके रिकवरी में भेजा जाता है, जिससे कि दोबारा से उसका कन्वर्जन हो सके वाइट लिकर में। द ब्राउन स्टॉक वॉशिंग इज ए प्रोसेस विच सेपरेट्स डर्टी वॉश वाटर, जो डर्टी वॉश वाटर को अलग करता है, और वीक ब्लैक लिकर को अलग करता है। एक ऐसी प्रोसेस जो ब्राउन स्टॉक वॉशिंग कहलाती है, इस प्रोसेस में ये कार्य किया जाता है। द रिकवर्ड वीक ब्लैक लिकर, जो रिकवर्ड किया जाता है वीक ब्लैक लिकर, सेंड टू रिकवरी फॉर कन्वर्जन फ्रॉम ब्लैक लिकर टू वाइट लिकर। ब्राउन स्टॉक वॉशिंग, जिसको हम शॉर्ट में BSW भी कहते हैं, कैन बी कंसिडर्ड द की ऑपरेशन, मेन मुख्य ऑपरेशन होता है ये पूरे पल्पिंग सिस्टम का, क्राफ्ट पल्पिंग सिस्टम का। इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द पल्पिंग प्रोसेस एज वेल एज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पल्पिंग प्रोसेस की जो कॉस्टिंग है पल्प की, वो सारा जो है इस ब्राउन स्टॉक वॉशिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये की ऑपरेशन है, ये मुख्य ऑपरेशन है। अगर हम सही से वॉशिंग नहीं करेंगे तो वीक ब्लैक लिकर सही से कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा तो दोबारा से वाइट लिकर में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, और उससे अगर कम कन्वर्जन हो पाएगा, कम वाइट लिकर बन पाएगा, तो हमारा लॉस ही होगा। और अगर हमारा ड्रेन में जाएगा ज़्यादा, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो जो इसीलिए ये की ऑपरेशन है हमारा ब्राउन स्टॉक वॉशिंग, इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो आगे हमारा, क्योंकि इसमें अगर केमिकल्स रह गए तो आगे ब्लीचिंग सेक्शन में दिक्कत आएगी, और ब्लीचिंग सेक्शन से आगे दिक्कत आएगी पेपर मेकिंग में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ BSW इज प्राइमरली टू रिकवर स्पेंट पल्पिंग केमिकल्स एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा ब्राउन स्टॉक वॉशिंग का, जितने एफिशिएंटली हम जो है उसका रिकवर कर सकते हैं, जो हमारे स्पेंट पल्पिंग केमिकल हैं, जो हमारे वाइट लिकर के रूप में यूज हुए थे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, उनको कितनी एफिशिएंटली हम उसको रिकवर कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है ब्राउन स्टॉक वॉशिंग का। ब्राउन स्टॉक वॉशिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्राफ्ट केमिकल रिकवरी साइकिल। जो क्राफ्ट केमिकल का रिकवरी साइकिल है, कि जो ब्लैक लिकर जाता है वाइट लिकर में कन्वर्जन के लिए, तो उसमें एक पूरा साइकिल है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है ये ब्राउन स्टॉक वॉशिंग है, क्योंकि यहीं से हम जो है ब्लैक लिकर को कलेक्ट करके रिकवरी में भेजते हैं, और कितनी एफिशिएंटली हम इसको रिकवर कर रहे हैं, ये हमारे प्रोसेस ब्राउन स्टॉक वॉशिंग पे डिपेंड करता है, कि हम कितना अच्छी तरह से उसको रिकवर कर रहे हैं, ब्राउन स्टॉक वॉशिंग की पल्पिंग अच्छी तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे के सारे प्रोसेस इससे अफेक्टेड होंगे। क्लीनर पल्प रिजल्ट्स इन बेटर केमिकल रिकवरी, लोअर ब्लीचिंग कॉस्ट, फ्यूअर डिपोजिशन इश्यूज एंड मोर कंसिस्टेंट पल्प सेंड टू पेपर मशीन। क्लीनर पल्प मतलब जितनी अच्छी क्लीन पल्प होगा वो अच्छा रिजल्ट करेगा आगे जा करके केमिकल रिकवरी में, उसकी कॉस्ट को कम करेगा, ब्लीचिंग सेक्शन की कॉस्ट को कम करेगा, डिपोजिशन सिस्टम में कम होंगे, और कंसिस्टेंट पल्प जो है पेपर मेकिंग के लिए पेपर मशीन पर जाएगा। मोस्ट पेपर मिल्स ऑपरेट्स यूजिंग ए मल्टी स्टेज काउंटर करेंट वॉशिंग प्रोसेस दैट अलाउ द मिल टू मिनिमाइज फ्रेश वाटर यूजेस वाइल इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लैक लिकर गोइंग टू द इवेपोरेटर्स। मोस्ट पेपर मिल्स में बहुत सारे मल्टी स्टेज वाशर्स का यूज किया जाता है, वॉशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिनमें जो वॉशिंग वाटर है
उसका क्वांटिटी मिनिमाइज होगा और केमिकल कंसंट्रेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक लिकर को, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा जो कि एवेपोरेटर में रिकवरी वाल्व में जाएगा। गुड वॉशिंग कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ केमिकल्स एंड स्टीम। अच्छी वॉशिंग होगी तो क्या होगा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ केमिकल, केमिकल की कॉस्ट कम होगी एंड स्टीम की कॉस्ट कम होगी। देयर आर डिफरेंट मैथड्स आर अवेलेबल फॉर पल्प वॉशिंग। बहुत सारे डिफरेंट मैथड अवेलेबल हैं मार्केट में पल्प वॉशिंग के लिए, सच एज रोटरी वैक्यूम वाशर्स हैं, रोटरी प्रेशर वाशर्स हैं, प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन वाशर्स हैं, हॉरिजेंटल बेल्ट वाशर्स हैं। इन सभी वाशर्स में, इतने वाशर्स जो है अवेलेबल हैं, एमंग देम इन सभी में रोटरी वैक्यूम वाशर मेथड इज वेल नोन फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से ये वाला सिस्टम जो है ज़्यादा यूज होता है, रोटरी वैक्यूम वाशर। दिस मेथड ऑफ पल्प वाशिंग इज एम्प्लॉइंग ए सीरीज ऑफ रोटरी वैक्यूम वाशर्स, इसमें बहुत सारे रोटरी वैक्यूम वाशर्स होते हैं, वर्किंग इन ए काउंटर करेंट फ्लो सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।